इसलिए आपके पत्रकार जो छोटे कमरे के लोग होते हैं आपको माध्यम से कहना चाहते हैं कि अरुण सक्सेना व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा और इस अवसर पर हम देश को प्रेस के माध्यम से अपने माननीय विधायक महानंद जी का बधाई भी देना चाहते हैं जो उन्होंने कम समय में इसको सदन में उठाने का काम किया। इसलिए संघर्ष समिति ऐसे विधायक को निश्चित रूप से संघर्ष समिति उनको अभिनंदन करने का काम करेगा, स्वागत करने का काम करेगा। इसलिए अरवल की धरती पर अरवल को रेलवे ट्रैक का जोरदार आंदोलन 20 अगस्त होगा, इसकी जानकारी हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं और ये संकल्प है अरवल के लोगों को, न जाति पर न पार्टी पर, यह संकल्प सभी लोगों का, यह संकल्प अरवल के आम आवाम का है, अरवल के क्रांतिकारी नौजवान का है, जगदेव बाबू का भूमि है और जगदेव बाबू के भूमि पर क्रांतिकारी हम लोगों का पुरुषों का जो काम रहा है। अगर आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के हो, जदयू के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, कोई हो तो दिल्ली की सरकार और विपक्ष, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं, अरवल की जनता आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को रेल देने का काम करे, हमारा रेलवे ट्रैक में काम हो, हस्तखेट में जो पाली जन तक काम होना था उसकी शुरुआत हो और हमारा जो अरवल तक ये जो वीरदास का पूरा नारायण रेलवे लाइन का काम चालू किया जाए, नहीं तो हम लोग संघर्ष करने पर बात होंगे, आंदोलन करने का काम करें। लेकिन पैसा जो है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर वो पैसा को रखकर कहियो यूटिलाइजेशन करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री जो अभी अश्विनी वैष्णव जी हुए हैं उनसे मिल करके संघर्ष समिति आगे आंदोलन करेगी, हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और यह जो आंदोलन होगा यह 15 अगस्त से जो है 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद जो इस 20 तारीख को इस जिला का सृजन दिवस है उस अवसर पर हम लोग रेलवे के लिए आंदोलन का फिर शुभारंभ करेंगे और 20 अगस्त से लगातार आने वाला केंद्रीय बजट तक हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करेंगे और रेल मंत्री प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे और यहाँ के माननीय सांसद, काराकाट के माननीय सांसद, औरंगाबाद के माननीय सांसद और पटना के माननीय सांसद इन लोगों से आग्रह करेंगे कि आप यह महिला आगरा नारायण रेलवे लाइन में जो 3,500 करोड़ की राशि है वो देने का काम करें। हमसे ये लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही है, लगातार चिट्ठी लिख करके रेलवे संघर्ष समिति लगातार चिट्ठी लिख करके और अपने माध्यम से लोगों को दे रहे हैं और दे करके ये संघर्ष कहाँ नहीं हो रहा, एक काम तक इनको जू नहीं रेंग रहा है। फुलवरिया तक लालू जी रेल मंत्री हैं तो रेल बनाते हैं, नालंदा में रेल का जाल बिछता है नीतीश जी मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे थे, रामविलास जी के क्षेत्र हाजीपुर में आपको रेल का बहुत बड़ा जो है सो जोनल ऑफिस खोला गया, लेकिन अरवल क्या गुनाह किया, दाऊदनगर के लोग क्या गुनाह किया, आपको ओबरा के लोग क्या गुनाह किया, आपके पालीगंज के लोग क्या गुनाह किया कि आपने सर्वे करा करके रेलवे ट्रैक का 16 स्टेशन का सब जगह मार्का करके और रुपया खर्च करके आपने रेलवे में पैसा नहीं दिया, इस लाइन में पैसा नहीं दिया, ये क्या बात है। बिहार के तीनों नेता तेजस्वी जी क्या करते हैं, केवल सत्ता के भूख है इनको, इनके पिताजी ने रेल का शिलान्यास किया, अभी तक क्यों नहीं रेलवे पर पहुंचते हैं कि अरवल को रेल मिलना चाहिए कि नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी रेलवे काउंटर का आरक्षण का यहाँ पर उद्घाटन किया और बोला कि 1 साल के अंदर हम रेल देंगे। नीतीश कुमार जी